नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले ने जो तूल पकड़ा, अब तक खत्म नहीं हुआ, या शायद ये कहना सही होगा कि उस मामले को खत्म होने ही नहीं दिया जा रहा है। उससे कई सारे केस निकल पड़े और अहम मुद्दा जो कि सुशांत का था, बात उसके इतर ही होती रही। कभी नेपोटिज्म की बात उठी तो सारा बॉलीवुड जैसे निशाने पर आ गया। उसके बाद सुई घूमी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और फिर केस मुड़ गया ड्रग एंगल की तरफ। लेकिन इस सब में एक चेहरा कॉमन था जो सियासत से भी टकरा रहा था, नेपोटिज्म की बात भी कर रहा था। ड्रग्स कनेक्शन सामने आया तो भी ये चेहरा बढ़ चढ़ कर सबके नाम लेता रहा। ये चेहरा था कंगना रनौत का। आनन फानन में बीएमसी द्वारा इनका ऑफिस तोड़ा गया तो कंगना खुलकर सामने आई। इन्हें राजनीतिक सपोर्ट मिलता चला गया और इसी के बिना पे इन्होंने जैसे सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो क्या यह माना जाए कि कंगना राजनीति की राह चल पड़ेंगी? क्योंकि इस सब में कंगना को काफी सपोर्ट भी मिला और सुरक्षा भी मिली। जिस बॉलीवुड से पहचान मिली उसी में उन्हें ढेरों खामियां दिखाई देने लगे। बॉलीवुड अब इन्हें ड्रग, शोषण, नेपोटिज्म और जिहाद का घटर लगता है। हालात यह है कि कंगना से जिस बात का ताल्लुक ना भी हो तो ये कूद पड़ती है। जैसे कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने दो टीवी चैनलों के खिलाफ नामी फिल्म प्रोड्यूसरों के अदालत जाने के मामले में बॉलीवुड को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बॉलीवुड के नामी निर्माताओं ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी, अर्णब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी के प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, राहुल शिवशंकर और नविका कुमार के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा किया। कंगना रनौत ने मामला दर्ज होने के बाद एक कई सारे ट्वीट किए। कंगना ने लिखा कि बॉलीवुड जो ड्रग्स, सोशल, नेपोटिज्म और जिहाद का गटर है, बजाय इसे साफ करने के बॉलीवुड स्ट्राइक्स बैक जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो कहती हूं कि मुझ पर भी केस कर दो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम सभी की असलियत सामने लाती रहूंगी। इंडस्ट्री के साथ ही उन्होंने बॉलीवुड कलाकारों पर भी टिप्पणी की है। वो लिखती हैं, बड़े सितारे न केवल महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं बल्कि जवान लड़कियों का शोषण भी करते हैं। वे सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवा सितारों को उभरने नहीं देते। वे 50 साल की उम्र में स्कूल किड्स का किरदार निभाना चाहते हैं। अगर उनके सामने कुछ गलत भी हो रहा है तो वो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते। करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, अनिल कपूर, विशाल भारद्वाज, अजय देवगन, रोहित शेट्टी पिक्चर्स जैसे कई सितारों के प्रोडक्शन हाउस सहित यशराज फिल्म्स, विनोद चोपड़ा फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, द फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने एक साथ मिलकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर करने वालों का कहना है कि यह केस इसलिए दायर किया गया है ताकि बॉलीवुड और बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना टीका टिप्पणी करने से रोका जा सके। इसके साथ ही प्राइवेसी के अधिकार में दखल न देने और मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में इन चैनलों पर बॉलीवुड के बारे में गंदगी, कूड़ा, कचरा और नशेड़ियों की जगह कहने का आरोप लगाया गया है। IMPPA यानी कि इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन तो मुकदमा करने वाले समूहों में शामिल नहीं है, लेकिन संस्था के अध्यक्ष और फिल्म निर्माता TP अग्रवाल ने बॉलीवुड के इस कदम की सराहना की है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।